क्षेत्र के ग्राम सहारा में धूमधाम से मनाई गई शिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर शिव की महाकृपा पाने के लिए उनके श्री चरणों का ध्यान करना होगा। महाशिवरात्रि ही वह अवसर है जब आप महादेव का ध्यान और विशेष पूजा करके देवाधिदेव महादेव से वरदान पा सकते हैं। इस दिन आप भोले शंकर को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इस बार शिवरात्रि पर अद्भुत संयोग बन रहे हैं जो विवाह संबंधी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार चौहान, एडवोकेट जी। ये जो मेला लगा हुआ है यहाँ पर बाहर, और ये महाशिवरात्रि का पर्व है, यहाँ पर बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं बताइए। ये मंदिर सदियों पुराना है, बहुत ही पुराना मंदिर है। इसका कई वर्ष पहले जीर्णोद्धार कराया गया था। ये तो किसी को नहीं पता है कि ये मंदिर कब बनवाया गया था। यहाँ पे इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं और सच्चे मन से जो भी अपनी मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। तो इसी हिसाब से बाहर बाहर से, दूर दराज, अन्य जिलों से, अन्य जनपदों से, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, अलीगढ़, कई अन्य जनपदों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जल चढ़ाया जाता है, और जल चढ़ाने के साथ ही अपनी मनोकामना वगैरह मांगते हैं, घंटा चढ़ाते हैं, इत्यादि कार्य करते हैं। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिव की कृपा बनी रहती है। जो लोग अब तक मनचाहे वर की तलाश में हैं, कुमारी कन्याओं और कुमारे पुरुषों के लिए यह महाशिवरात्रि अजब संयोग लेकर आई है। लेकिन इन सब लोगों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप शिव की उतनी ही तपस्या करेंगे जितनी माता पार्वती ने की थी। इसलिए सभी लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं ताकि भगवान शिव प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान दें। इस अवसर पर ग्राम सहारा भगवान शिव मंदिर पर उपस्थित रहे ऐसे लोगों का मानना है, यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और यहाँ पर जो भी भक्तजन पूजा करने के लिए आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धालु पूजा करने आ रहे हैं, इसके बारे में जरा बताएं। ये हमारा शिव मंदिर जो है लगभग 700-800 साल पुराना है। इसकी स्थापना कभी कोई इलाका बंजारे के नाम से था, उसने कराई थी, और ये प्रक्रिया चलती रही जब से अब तक। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो सिद्ध मूर्ति है पिंडी की, क्योंकि हमारे एक आचार्य कथावाचक थे, यहाँ वो आया करते थे, तो रुद्राभिषेक होता था प्रतिवर्ष। उस समय उनको अचानक उनका पेपर आ गया आचार्य का, वो दिल्ली चले गए। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में थे, हमने उनको बुलाया, बोला था हम तो नहीं आ पाएंगे, तो हमने यहाँ दूसरे आचार्य की व्यवस्था की। लेकिन जिस शिवरात्रि वाले दिन वो आचार्य जी पैदल चल के यहाँ आए, और जब हमने उनसे पूछा, हमने कहा बता दें तो हम किसी को भेज देते, आपने कदम आ नहीं पाएंगे, तो बोला कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, हम तो आ ही नहीं पाते, लेकिन इनकी कृपा ऐसी है कि हमारा पेपर जो है तो दो दिन बाद हो गया, उसका टाइम बढ़ गया, और रात में शुक्ल में इन्होंने हमारा जीना आराम कर दिया, आपको वहाँ पहुँचना है, आपको वहाँ पहुँचना है, इस तरह की। और यहाँ तो जो भी लोग आए हैं, ये तो मन का मिश्र भगवान है, जो भी मनोकामना लेके जो व्यक्ति आता है उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यही कारण है कि आज हम सब लोग यहाँ लगे हुए श्रद्धा भाव से। इस कार्यक्रम को डॉक्टर नरेश सिंह चौहान व एडवोकेट सुमित चौहान समस्त सहारा के ग्रामवासियों के सहयोग से शिव मंदिर के बाहर मेले का भव्य आयोजन भी कराया जाता है, तथा वहां पर कथा और भगवत का प्रोग्राम भी करवाया जाता है। आसपास के गांव हेमपुरा, नगला देवी, नगला कविश्वर, नगला पृथ्वी, नगला ठाकुरी, तेजपुरा, राजपुरा, भविचंदपुर, कुंजलपुर, बबीना, साठिया, सिमरई, अन्य दूर दराज से लोग आकर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज ये महाशिवरात्रि का पर्व है तो बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। ये हमारे बुजुर्ग बताते थे कि किसी को पता नहीं कब किसने बनवाया ये, और यहाँ सिद्ध मंदिर है ये मूर्ति सिद्ध है, जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, यहाँ कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद, हर जगह से लोग यहाँ मन्नतें अपनी बोल कर जाते हैं, उनकी मन्नतें सारी पूर्ण होती हैं, और शिवरात्रि पर्व पर आकर अपनी मनोकामना सिद्ध होने के बाद यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं, घंटा चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। मेले का आयोजन मेरे द्वारा किया जा रहा है, करीब 33वीं वर्ष है मेरे द्वारा ही ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हमारे सहयोग में सारे ग्रामवासी भी, क्षेत्रवासी रहते हैं, सबके सहयोग से ही हमारा ये कार्यक्रम भोलेनाथ का ये दरबार का जो आयोजन है जो प्रतिवर्ष चलता है।
से। इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और ये कौन सा गांव है? पूरे देखो, ये मंदिर जो है जी सदियों पुराना है। हमारे बुजुर्ग लोग भी नहीं जानते ये कितना पुराना मंदिर है। प्रसिद्ध मंदिर है क्षेत्र का, बहुत से दूर दूर श्रद्धालु आते हैं, प्रतिवर्ष शिवरात्रि के मौके पर भी आते हैं, वैसे ही अन्य त्योहारों पर भी आते हैं, अपनी मनोकामना यहाँ बोल के जाते हैं। भगवान शिव जी के द्वारा सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है, लोग आते भी हैं, ले जा लेकर के आते हैं, लोग अपनी जो मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ आते हैं, उनका जो बनता है वो यहाँ आकर के अपना दान चढ़ावा जो है चढ़ाते हैं।